हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग बीएचयू पाठशाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस मस्ट वॉच कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता चल गया होगा दैट आई एम ए मेंटर ऑफ योर पॉलिटी सब्जेक्ट पॉलिटी सेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, क्यों होगा उसके बारे में आपको बताऊँगा। जैसा कि मैं पहले आपको बताऊँगा कि ये पॉलिटी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, पॉलिटी की डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे रिटर्न हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो वर्ल्ड में कितने कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, कहाँ कहाँ पे उनके बेस्ड पे गवर्नमेंट गवर्न कर रही थी जनता पे, ये सारी बातें, नेशन क्या है, स्टेट क्या है, सारे कुछ चर्चा होगी आज के सेशन में। तो ये सेशन बहुत ही शानदार होने जा रहा है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पॉलिटी का शानदार सेशन। और ये कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी इसका जो हिंदी होगा, अगर हिंदी मीडियम के हो तो आप नोट कर लेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या है, तो पहले हम इसके बात करेंगे ओरिजिन का, मतलब इस वर्ड का ओरिजिन जो है, पॉलिटी वर्ड का ओरिजिन क्या है। पॉलिटी वर्ड जो है वो ग्रीक के, आपको पता होगा मोस्ट ऑफ वर्ड ग्रीक से लिए जाते हैं। ग्रीक के कौन से वर्ड से, ग्रीक का एक वर्ड आता है पॉलिश, मे बी इसका प्रोनाउंसिएशन वहाँ कुछ डिफरेंट हो लेकिन हम तो इंग्लिश का ही करेंगे। पॉलिश जिसका मीनिंग होता है मीन्स सिटी। पॉलिश ये इसका एक कह सकते हो कि वो ओरिजिन है, रूट वर्ड है। फिर इसके बाद जो इसमें इवोल्यूशन हुआ वो हुआ पॉलिटे। ये पॉलिटे पढ़ते हैं हम इसको। इसका मींस क्या था, सिटीजन। तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी फाइनली, पॉलिश पॉलिटे। अब जो हम आज के टाइम में जो पढ़ रहे हैं वो हो गया पॉलिटी। तो आप यहां से इसका जो डेफिनेशन है या जो इस हिंदी में जो लिखा है उसको समझ सकते हैं। राज्य और राज्य के लोगों पे जो चीज़ें अप्लाई हुई तो इसी को फिर राज्य व्यवस्था कहा गया। अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये पॉलिटी इंग्लिश का वर्ड है, आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम बात करते हैं आगे। जैसा कि यहाँ पे हम बात करेंगे अभी इसी से, क्योंकि पॉलिटी तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ना आए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कर लेते हैं, फिर दोनों की डेफिनेशन की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया कहाँ से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये हिंदी का कोई वर्ड तो है नहीं, हमने कहीं से लिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है वो फ्रेंच से आया है। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ओरिजिन ऑफ दैट वर्ड, आप बताएंगे कि ओरिजिन जैसे पॉलिटी का ग्रीक से है, इसका बताएंगे आप फ्रेंच से है। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर तो फ्रेंच में इसको बोलते क्या थे, तो इसको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूरे बोलते थे इसका। और इसका मीनिंग जो था वो बेसिकली यही था, लॉज रूल्स रेगुलेशंस के सेंस में यूज किया जाता था। अगर आप चाहें तो लिख लेंगे मीनिंग इसका, लॉज या आप इसको रेगुलेशन लिख लेंगे। फिर ये वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूओ लैटिन वर्ड में आता है। लैटिन आपको पता होगा इंग्लिश से पहले लैटिन का जो वर्ड था वो था कॉन्स्टिट्यूओ वर्ड। ये इवोल्यूशन हो रहा है, चीज ध्यान देंगे, ये वर्ड पहले नहीं आया, पहले ये था कॉन्स्टिट्यूरे, फिर आया कॉन्स्टिट्यूओ, अब इंग्लिश में जो हम आज यूज कर रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा काफी, एक हो सकता है आपने कुछ लोगों ने इसको पहले पढ़ा हो तो उनके लिए अच्छा, जो नहीं पढ़े हैं इसको काफी अच्छे से नोट करेंगे। अब हम आते हैं बात इसके डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में जैसे मैं पहले बात करूंगा डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ लॉज, एक एक जो सेट है, एक कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ लॉज इज कॉल्ड
एक मैं सिंपल मीनिंग बता रहा हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन हम अलग अलग टर्म में अलग यूज़ करेंगे। अब हिंदी में मैं आपको बताऊँ डिटेल में, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है, कानून की एक ऐसी किताब है, नियम के नियम कायदों की एक ऐसी किताब है जिससे एक नेशन, एक चाहे हम बात करें राष्ट्र की, चाहे एक संगठन चलाया जाता है या चलाने की कोशिश की जाती है, चलाने के लिए बनाया जाता है, वही होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेट ऑफ लॉ इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो इस वर्ड का केवल मीनिंग होगा वो ए सेट ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। ये हो गई बात कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन जो है, एक और डेफिनेशन आता है जिसको आप फॉर्मल डेफिनेशन कह सकते हैं, कि ये जो है स्टेट, अब बात आपको एक बार मैं फिर से अभी बता दूँ, पॉलिटी पढ़ाते टाइम, कि इस स्टेट का मतलब आपका स्टेट नहीं है, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी। इसका मतलब है कि राज्य, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको बताऊँगा। स्टेट्स और जो हम जनता है, आम जनता, सिटीजन, स्टेट और सिटीजन के बीच का जो एक गवर्निंग बॉडी के बीच में जो काम करेगा या उनके बीच जो संबंध स्थापित करेगा वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये यूपीएससी में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको मैं एक जनरली आइडिया बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की आज किताब नहीं होगी तो अगर एक बार कोई पीएम बन जाएगा तो वो हमेशा पीएम रहेगा, एक बार कोई सीएम बन जाएगा तो वो हमेशा सीएम रहेगा। 5 साल पे चुनाव क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। 5 साल पे पीएम भी चुनाव होते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि कोई भी आदमी 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। 2 बार, 2 कार्यकाल वो संभाल सकता है, 2 कार्यकाल में वो काम कर सकता है, 3रा कार्यकाल वो नहीं करेगा, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसीलिए बराक ओबामा 2 बार ही राष्ट्रपति बने। तो ये किसकी देन है? ये है हमारे, जिसकी हम बात करें डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी क्या है, पॉलिटी की डेफिनेशन, जिसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो मुझे बताने में आसानी होगी। आपने नोट कर लिया होगा, तो जैसे कि मैं पहले पॉलिटी, जो पॉलिटी, डेमोक्रेसी एक दूसरे से मिलते हैं, सारे वर्ड के बारे में बताएंगे। पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताता चलूँ आपको। जैसे कि एक कभी, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में, 21st सेंचुरी में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा जो किंग होता था, किंग हम पे गवर्न करता था, तो उस टाइम ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, नाम मात्र के कॉन्स्टिट्यूशन, और वो उनके लिए नहीं, उनके सगे संबंधियों के लिए नहीं होता था। तो किंग, आप मूवीज़ भी देखे होंगे तो उसमें कई, जैसे कुछ मूवीज़ में है कि वचन ही मेरा शासन है, जैसे आपने बाहुबली देखी होगी तो उसमें ये कई बार रिपीट होता है। तो ये जो चीज़ें थी यह राजशाही में थी, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसी का फॉर्म चेंज हुआ। अब क्या हुआ, अब मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ पॉलिटी की। पॉलिटी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं बता दूं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के, सपोज दैट ये कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको हमने उठाया और अप्लाई कर दिया सिटीजन के ऊपर, सिटीजन के ऊपर अप्लाई किया, और वो कौन सा सिटीजन, एक पर्टिकुलर स्टेट के, एक आप कंट्री बोल लीजिए, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी पॉलिटी की, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन सोसाइटी इन स्टेट इज कॉल्ड पॉलिटी। ये जो प्रोसेस होगा, ये एक प्रोसेस है कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। जैसे कि हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया कि 18 साल से ऊपर के लोग ही वोट दे पाएंगे, अब 17 साल का कोई नहीं दे पाएगा। तो ये जो हमने इम्प्लीमेंट कराया, यही हमारी पॉलिटी हुई, राज्य व्यवस्था हुई। हिंदी में मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इसका एक वर्ड आता है प्रयोगात्मक, जो प्रयोगात्मक रूप है, ये तो एक किताब में लिखी है, हमने किताब लिख दी, हो सकता है वो 400 पन्ने की किताब लिख दी, लेकिन जब हम उस किताब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट बुक, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर बुक, जब हम कोई वर्क करेंगे तो वो हो जाएगी पॉलिटी, वो प्रोसेस, वो पॉलिटी के अंदर वो प्रोसेस आएगा। एक और वर्ड आप अगर हिंदी मीडियम में याद करिएगा, क्रियान्वित होता है, क्रियान्वित रूप जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, या हाँ क्रियान्वित या प्रयोगात्मक रूप जो होगा वही पॉलिटी कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन को आपने याद रखा। अब हम बात करेंगे थोड़ा
जैसे एक बात हम करेंगे अभी कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आगे। आपके जो सिलेबस है, चाहे आप LLB BLLB के स्टूडेंट हो, LLB 3 ईयर के स्टूडेंट हो, जो भी, अगर आप पॉलिटी, आप BSU में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक पहला क्वेश्चन बनता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज होगा कि क्या सर कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार कहाँ बना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार बना, उससे पहले लोग कैसे वर्क करते थे, तो मैं उसके बारे में बताऊं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जैसे जो परंपरा चली आती थी लोग परंपरा के हिसाब से ही काम करते थे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ परंपरा है कि सुबह उठ के, कभी एक परंपरा होती थी कि सुबह उठ के पूजा करना है। ये कहीं किताबों में नहीं लिखा रहता था, हमने देखा और रिपीट किया, कुछ चलते गया कुछ साल तक। एक मैंने एग्जांपल बताया, ऐसे ही शासन व्यवस्था चलती थी कि किसको राजगद्दी पे बैठाना है, दो लोगों में लड़के जो जीतेगा वो इस पोस्ट के लिए काबिल होगा, वो योद्धा होगा। ये सारी चीज़ें, ये राजशाही के टाइम थे। जैसे हमने बताया जो किंग का टाइम था, जब हम किंग का नाम लेते थे कि राजा अपने मन से जो है वो करेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि चाहे जो भी हो, वो अगर आज आप भी अगर आप इन फ्यूचर किसी पोस्ट पे जाते हैं तो उसका पहले से कायदा कानून है, आपको भी वो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो सबको वो मैंडेटरी है फॉलो करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पहली बार बना वो USA ने बनाया, इसका क्रेडिट USA को जाता है, इसीलिए हम लोग इसे कॉपी करते हैं। USA ने, अब इसका, इसकी अलग हिस्ट्री है लेकिन हम उसकी हिस्ट्री पर नहीं जाएंगे, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसने 1787, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लगभग 250 साल पहले ही वहाँ पे ये चीज़ें, आज जो हमारे यहाँ पे 75 साल 75 साल हुआ वो वहाँ पे हो चुकी थी। इन्होंने बनाना स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं, स्टार्ट किया। बनाए कब इन्होंने, एक कई कभी कई क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बार कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बना, तो USA में ये डेट फिक्स रहेगी। लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ, लोगों पे अप्लाई, जैसे मैं बताया कि उसका पॉलिटी फॉर्म कब आया, 1789। ये हो गई हमारी ये बात, पहला फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दो वर्ड आप याद रखेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फिलाडेल्फिया करके एक कन्वेंशन होता है इनका, वहां पे होता है, और इनका जो था ये रिटन फॉर्म में था, रिटन फॉर्म। अब बात आती है कि रिटन फॉर्म क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल देता मैं, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में एक आध दो स्टेट है, लेकिन उसमें जो मेजर स्टेट है वो है UK, जिसको आप ब्रिटेन भी कहते हैं। ये एक ऐसा स्टेट है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है। रिटन का मतलब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कुछ भी लिखा नहीं गया है। कभी कभी हम लोग मिसकंसेप्शन हो जाता है, हम सोचते नहीं उसके बारे में, कुछ भी नहीं लिखा गया तब कैसे चलता होगा। यूजली होता क्या है, ये अनरिटन है। यूजली होता क्या है वहाँ पे कि वहाँ पे 100% नहीं लिखा गया, लेकिन कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। फिर भी वहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया, आज से 50 साल पहले उसने अपराध किया था या 40 साल पहले अपराध किया था, तो उसको उस अपराध में 5 साल की सज़ा हुई या 4 साल की सज़ा हुई। अब क्या होगा, अगर आज अपराध होगा तो जो उसका जस्टिस होगा, जो उसका जज होगा, जज ये देखेगा कि इस जो ये पर्टिकुलर जुर्म है, जो आप इन्होंने कोई भी मर्डर किया है, जो भी किया हो, तो वो भी ये देखकर देगा कि उस टाइम जब हुआ था तो 4 साल की सज़ा हुई थी, तो अब 4 साल की होगी। तो सीधे से हम कहते हैं वहाँ की परंपरा, वहाँ के रीति रिवाजों पे आधारित है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसको अनरिटन है। ये अलिखित संविधान, आप में क्वेश्चन कर आ सकता है कि अलिखित संविधान कहाँ का, तो UK और ब्रिटेन मतलब एक ही नाम है, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं जिसको, अब ब्रिटिशर्स यही हैं। तो आप इतना नोट करिए, फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं इस पर। अब हमने USA और UK की बात आपको बता दी। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो सेकेंड है, सेकेंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या सेकेंड टाइम कौन किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था,
तो वो है फ्रेंच का, फ्रांस आप कहेंगे उसको। फ्रांस जो है वहाँ पे इसकी एक अलग हिस्ट्री है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई बार लिखा गया है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो 1791 में लिखा गया था। इसको आप चाहें तो नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद आती है कि हाँ, ये भी आप याद रखेंगे कि जो फ्रांस ने लिखा था, जो फ्रांस में लिखने की नौबत आई, वो उसी से बिल्कुल अफेक्टेड थी यूएसए से ही, क्योंकि वहाँ पे पहले लिखा गया था, फिर उसके बाद में यहाँ पे बात आती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया जाता है। पहली चीज़ है कि देश की, क्योंकि आप एक चीज़ ये जानिएगा कि जब कोई भी एक छोटा देश हो बड़ा देश हो, उसकी पॉपुलेशन एक अनकंट्रोल्ड टाइप की होती है। अगर भारत की बात करें तो 125 करोड़ जनसंख्या कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे, उसके लिए एक आदमी तो कभी करेगा नहीं। तो हमें ज़रूरत पड़ती है, या एक संस्था से आप फॉर एग्जांपल समझिए, अगर एक संस्था आप चला रहे हैं उसमें 100 लोग हैं, तो उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उनको डिसिप्लिन में कैसे लाएंगे, उनको वेल मैनर्ड वर्क कैसे कराएंगे। और तो उसके लिए हमको एक सेट ऑफ लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, एक कानून एक कायदे की ज़रूरत पड़ेगी, दैट हम वो सब पे बराबर का अप्लाई हो, कि सब लोग ये ना कहें कि नहीं, जैसे मान लीजिए 10 लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो आप और टाइमिंग आपने रखा है कि हमारा ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे है, तो ये 10 बजे से कोई भी अगर 10:30 बजे आता है तो आप डांट सकते हैं, क्योंकि आप सब पे बराबर अप्लाई करा रहे हैं कि इससे लेट जो भी हो रहा है आप उसको एक बार वार्निंग दे रहे हैं कि आप टाइम से आइए। ठीक उसी प्रकार जो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप खुद मुड़ के देखेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे जगह रह रहे हैं, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो इस पे इसलिए कराया जाता है कि पहले तो एक चीज़ की जो स्टेट है वो अपने सिटीजन की रक्षा करें, उनकी उनकी जिम्मेदारी समझे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो कुछ ये चीज़ें हो गई, और दूसरी चीज़ें हो गई कि उनका जो रूलर हो वो बाय बर्थ ना हो, जैसा कि आप वंशानुगत कहते हैं, बाय बर्थ। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके फंक्शन, उसने ये कहा कि यहाँ रिपब्लिक होगा, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं थोड़ा सा वो बता दे रहा हूँ। रिपब्लिक होगा तो उस इसमें यह भी बताया गया कि एक जो टेन्योर होगा, एक इलेक्टेड नॉमिनेटेड का, वो 5 साल का होगा। कोई भी अगर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आप ये सोचो सिंपली कि प्रधानमंत्री से लेकर और आपके ग्राम प्रधान तक सबका टेन्योर सेम है, तो इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसमें फिक्स किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के यही फंक्शन है, वो लोगों के अंदर एक विकास एक विकसित सोच का भी काम किया है, उसने दिखाया कि कोई भी किसी भी पद पे जा सकता है, उसमें वो योग्यता होनी चाहिए। अब एक हम इसमें बात कर लेते हैं, लास्ट बात जो होगी हमारी, और ऐसे ही अच्छी क्लासेज आपको मिलेंगी, जो लास्ट बात कर लेंगे कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे इसको तो हम 2-3 बार फिर बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा जान जाइएगा। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कह लीजिए या लेंथीएस्ट कह लीजिए, जो सबसे बड़ा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसका है, वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में करिएगा, आपको पता भी होगा सबसे बड़ा, इसको रिटेन अगर आप चाहें तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बड़ा क्यों कहा गया, इसको इसलिए बड़ा कहा गया क्योंकि जब ये लिखा गया तो इसे 1.5 लाख वर्ड है। अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल वे में पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इलेक्शन, कैसे कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई हैं, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी ढेर सारे टॉपिक हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें एक चीज़ आती है कि एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे हमने बोल दिया सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो आपने इंडियन बोल दिया, लेकिन ये तो कंट्री का हुआ, एक स्टेट का अगर पूछा जाए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, लेकिन मैं इस पर बाद में आपको बताऊँगा। आपको पता होगा कि जो यूएसए है वहाँ पे ढेर सारे स्टेट हैं, लगभग 50 स्टेट होंगे, तो वहाँ पे एक स्टेट ऐसे ही, जैसे कि आपने
ढेर सारे स्टेट का नाम सुना होगा, तो एक एक स्टेट है वहाँ पे अलहमाबा यूएसए का है, जैसे फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, फिर उसके बाद अलहमाबा, ये वहाँ का एक ऐसा स्टेट है, वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ पे हर एक स्टेट का भी अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चीज़ अगर आप नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में मतलब हल्का सा जान लें। अलहमाबा है, इसको लॉन्गेस्ट, लेंथीएस्ट, बिगेस्ट, जो भी वर्ड आप यूज़ कर लें, वो इसको वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, लेकिन वो एक स्टेट है। आप ये ध्यान रखेंगे कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी स्टेट तो वो है अलहमाबा, यूएसए में है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूशन 4.5 लाख वर्ड है। अब देख सकते हैं कि थ्री टाइम्स मोर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आई होप आपको आज का ये सेशन जो है पॉलिटी का शानदार सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आप इन चीज़ों को नोट करेंगे, इनको कंसोलिडेट करेंगे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, इसको रिपीट करिएगा और अपना नोट्स खुद से बनाइएगा, हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक पॉलिटी के फिर शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।